लाइव 13.2 13.2 में मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट में बता दिया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। 10 नहीं मिलेगा भाई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंडिपेंडेंट इवेंट। वो बात मेरा वो चल रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है भाई, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर मैंने ऐसा प्रूव कर दिया तो जो इवेंट है मेरे कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पता ही है क्या होती है। ओके बुक दीजिए, कितने क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आवाज आ रही है सभी को मेरी, बता देना। क्वेश्चन नंबर 4, ए फेयर कॉइन एंड ए अनबायस डाई आर टॉस, जब एक फेयर डाइस और एक अनबायस डाइस को हम टॉस करते हैं तो उसमें जो सैंपल स्पेस है वो कितने बनते हैं, पहले तो ये देखना है। फेयर डाइस एंड फेयर कॉइन एंड फेयर ही डाइस है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ए फेयर कॉइन A coin and a die. अगर इनको टॉस किया गया एक साथ थ्रो किया गया तो इसके जो सैंपल स्पेस होंगे इट विल बी सैंपल स्पेस होंगे इसके, देखो पहले वन के साथ एच आ सकता है क्योंकि एक डाई के 1 2 3 4 5 6 होंगे और एक कॉइन के एच और टी होंगे, तो वन के साथ एच भी आ सकता है, वन के साथ टी भी आ सकता है, ऐसे टू के साथ एच, टू के साथ टी, थ्री के साथ एच, थ्री के साथ टी, ऐसे फोर एच फोर टी, फाइव एच फाइव टी, सिक्स एच और सिक्स टी, ऐसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब सबसे पहले कंडीशन क्या दी है, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए बहुत आराम से, कहा है लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन, हैड अपीयर ऑन द कॉइन, द कॉइन है उस पे हैड अपीयर हो जाए, तो हैड कहां कहां पे होगा, फर्स्ट इवेंट की इसको ई मानता हूं, हैड अपीयर, हैड अपीयर ऑन कॉइन, तो इसके जो सैंपल स्पेस, इसके जो स्पेसेस बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, 2 1H 2H 3H 4H 5H और 6H। भाई यही तो ऐसा इवेंट है जहां पे हेड अपीयर है, जहां पे हेड आया हुआ है यही तो ऐसा इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी कितनी, 6/12, तो 6/12 का मतलब 1/2, राइट है, इसमें कोई डाउट कर नहीं सकता किसी को, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब सेकंड कंडीशन है इट विल बी बी द इवेंट बी ऑन डाई, जहां पे डाइस पे 3 आ जाए, तो डाइस पे मतलब एफ क्या है, 3 कम्स ऑन डाई, डाई पे 3 आ जाए तो कहां कहां आ सकता है, एफ क्या हो गया भाई, इसके सैंपल स्पेस हो जाएंगे 3t या 3h और 3t, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी 2/12 मतलब 1/6, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मुझे इंटरसेक्शन निकालना है इनका कि ऐसा कौन सी कंडीशन है जो दोनों में बराबर है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, 3H आ जाएगी, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F विल बी 1/12। नाउ वी विल चेक दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, तो व्हाट वी विल चेक फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, P A इंटरसेक्शन B या E इंटरसेक्शन F इक्वल टू
probability of E into probability of F. So we have to check 1 by 12 equal to, where is E? 1 by 2 into 1 by 6. So yes, 1 by 12 equal to 1 by 12. So these are independent events. Right? Yes, sir. लिख लीजिए. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा. कोई भी डाउट आएगा तो तुरंत पूछना है. राइट इट डाउन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर फाइव इज ए डाई मार्क 1, 2, 3 रेड एंड 4, 5, 6 इज ग्रीन. आई थिंक दिस क्वेश्चन यू कैन डू. ये मैं करूं बताइए. कर लोगे ना. यू कैन डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना बेटा. चलो थोड़ा करके दिखा देता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 5 है. इसने कहा है कि डाई मार्क 1, 2, 3 इन रेड. मतलब एक डाई में क्या होता है भाई. एक डाई में क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है. जो ये 1, 2, 3 लिखा हुआ है ये तो किस कलर से लिखा हुआ है. रेड कलर से. किस कलर से लिखा हुआ है. रेड कलर से. राइट. और जो ये 4, 5, 6 लिखा हुआ है ये किस कलर से लिखा हुआ है. ग्रीन कलर से. दिस इज ग्रीन. GREEN. दिस इज ग्रीन. राइट. अब इसने आगे क्या कहा है. लेट ए बी द इवेंट. द नंबर इज इवन. ए कौन सा इवेंट है जहां पे नंबर इवन आता है. नंबर जहां पे इवन आता है तो इवन नंबर. ए क्या है. इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. तो इवन नंबर. तो इसकी पी ए क्या आ जाएगा. इवन नंबर कौन कौन से होते हैं पता है आपको. 2, 4, 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6 मतलब 1/2. यस या नो. राइट. ठीक है. बहुत बढ़िया बात है. आगे चलते हैं. बी क्या है. बी द इवेंट द नंबर इज रेड. बी द इवेंट नंबर इज रेड. बी है नंबर इज रेड. नंबर इज रेड. तो रेड कहां कहां पे है. 4, 1, 2, 3 रेड 1, 2, 3 पे है. तो 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/6. इट इज ऑल्सो 1/2. यस या नो. अब जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा. वो इवन और रेड. जो इवन भी हो रेड भी हो वो कौन सा है. 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी में भाई क्या आएगा. देखो जो इवन भी हो रेड भी हो तो दैट इज 2. 2 है ना. तो दोनों में है तो एक ही नंबर 1/6. अब चेक करो क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. नहीं है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 और इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा 1/4.
these are not independent event. Is that clear? लिखिए.